हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अचना शर्मा. नाउ इट्स मी साइनिंग इन. हम इससे पहले पैडागोजी के सेशंस को पढ़ रहे थे. इससे पहले हमने थिंकर्स वाले वीडियो को अपलोड किया हुआ है और पैडागोजी में ही हमने बहुत सारे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है. ब्लूम टैक्सोनॉमी को पूरा कंप्लीट किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सब पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए. उससे पैडागोजी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. वॉट एवर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर. ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है तो वो लैंग्वेज, ग्रामर और भाषा वो अपने अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं. लेकिन जो हम पर्टिकुलर टीचिंग में टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं उनकी वो ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं. तो उसके हमने तीनों एस्पेक्ट्स को पढ़ा था, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन. ठीक है, तीनों को डिटेल में पढ़ा हुआ है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा. और मैंने पैडागोजी की प्लेलिस्ट बना दी है तो आप उस जब भी रिलेटेड टॉपिक हो आप पैडागोजी की प्लेलिस्ट को खोलकर कोई भी टॉपिक सर्च करके आप पढ़ सकते हैं. डेफिनेटली दैट विल हेल्प फॉर योर सेल्फ. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का वीडियो है कोर्स 8 से रिलेटेड है, विच नेम इज नॉलेज एंड कोरिकुलम, BEd सेकेंड ईयर. ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड कोरिकुलम, यानी कि सिलेबस एंड कोरिकुलम में डिफरेंस क्या है. देखिए, हम जनरली बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सिलेबस और कोरिकुलम लगभग लगभग सेम है, बट ऐसा नहीं है. सिलेबस डिफरेंट है, कोरिकुलम डिफरेंट है. तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और मेन डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है सिलेबस और कोरिकुलम में डिफरेंसेस. तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. देखिए, आप एक चीज सीख लीजिए, जो कोरिकुलम है आपको पता है कि कोरिकुलम क्या है. कोरिकुलम एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, क्यूरियर, जिसका मतलब होता है रन, यानी कि पाठ्यक्रम. आप एक तरीके से जैसे घोड़ा दौड़ाने के लिए रेस कोर्स तैयार किया जाता है तो वहां पे एक बाउंड्री लिमिट कर दी जाती है. तो बच्चों के लिए भी ठीक कोरिकुलम को उसी चीज से कंपेयर किया गया है कि आपको अगर एक कोर्स करना है तो आपके लिए कोरिकुलम की बाउंड्री को लिमिट कर दिया जाता है. यानी कि जैसे जो रनिंग करने के लिए हॉर्स होते हैं उनके लिए जो कोर्स तैयार करते हैं तो उसकी एक बाउंड्री लिमिट होती है कि घोड़ा उससे बाहर नहीं दौड़ेगा. तो ठीक वही चीज है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए कोरिकुलम एक बाउंड्री का काम कर रही है, एक कोर्स का काम कर रही है, एक दौड़ का मैदान का काम कर रही है, जिसको क्या करते हैं, जिसको हम अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. ठीक है, तो जैसा आपका पाठ्यक्रम होगा कोर्स के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, वॉट एवर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम होगा. ठीक, तो ये तो था हमारा पाठ्यक्रम. हमने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन किया क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी है, प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है डिफरेंस, मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है. सबसे पहला जो कॉलम दे रखा है बेसिस दे रखा है, यानी कि आधार, इसके बाद सिलेबस एंड सेकेंड नंबर पे कोरिकुलम. तो देखिए, मीनिंग जो हमने दे रखी है, हम बेसिस में सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि सिलेबस का मीनिंग क्या होता है. तो सिलेबस रिफर्स टू द प्रोग्राम और एक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी. सिलेबस इज टू द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन सब्जेक्ट. देखिए, सिलेबस का मतलब क्या होता है, सिलेबस एक प्रोग्राम को रिफर करता है. ठीक है, आउटकम्स को रिफर करता है, यानी कि जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, जिस चीज की भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो सिलेबस एक तरीके के डॉक्यूमेंट का काम करता है, यानी कि एक पोर्शन का काम करता है. यानी कि अगर हम बात करते हैं कोरिकुलम, तो कोरिकुलम का एक क्या है, पोर्शन है. क्या पोर्शन है, सिलेबस. यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि कोरिकुलम बहुत बड़ा है और सिलेबस उसका छोटा सा पार्ट है. ठीक है, मीनिंग में अगर हमने समझने की कोशिश की तो. चलिए अगले वाला कोरिकुलम में देखिए. कोरिकुलम में दे रखा है, कोरिकुलम रिफर्स टू द सब्जेक्ट दैट आर स्टडीड और प्रिस्क्राइब फॉर द स्टडी इन अ स्कूल और इन अ कॉलेज. देखिए, कोरिकुलम क्या होता है, कोरिकुलम सब्जेक्ट रिफर्ड होता है, सब्जेक्ट स्टडी होता है और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बनाती है जिस भी कोर्स के लिए आप अपीयर करना चाहते हैं. अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए जो सिलेबस या कोरिकुलम दिया जाएगा, जो कोरिकुलम आप पढ़ते हैं 2 ईयर का, वो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है और बच्चे को उस कोर्स में उसी कोरिकुलम की स्टडी करनी होती है. यानी कि कोरिकुलम अगर 2 ईयर का बीएड का प्रोग्राम है तो वो 2 ईयर का बीएड का कोरिकुलम देंगे आपको. ठीक है, और कोर्स क्या होगा, कोर्स आपका वो कंटेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा जो आप पेपर वाइज पढ़ेंगे. यानी कि सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कोरिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का, कोरिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा. लेकिन पर्टिकुलर जो हम पेपर्स पढ़ते हैं, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 10 तक जितने भी पेपर्स पढ़ते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कोर्स 1 में जितनी यूनिट है, ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि कोर्स 1 का वो सिलेबस हुआ. यानी कि कोर्स 1 में जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी, तो वो कोर्स 1 का सिलेबस हुआ, वो कोर्स 1 का कोरिकुलम नहीं हुआ, वो सिलेबस हुआ. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं. सपोज कीजिए
जैसे हम अगर बीएड कोर्स की बात करते हैं, ठीक है, बीएड कोर्स की बात की हमने, तो मान लीजिए अगर हम हमारे कोर्स में 10 पेपर है ना, टोटल 10 पेपर है हमारे कोर्स में, तो क्या है आपको पता है ना सबका कोरिकुलम क्या होगा? अलग अलग होगा, सारे पेपर का कोरिकुलम अलग अलग होगा। सपोज कीजिए हम कोर्स वन की स्टडी कर रहे हैं, तो कोर्स वन में 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सिलेबस, है ना। किसके लिए सिलेबस हुआ वो? किसके लिए सिलेबस हुआ वो? वो हमारा सिलेबस पर्टिकुलर कोर्स फर्स्ट के लिए हुआ या कोर्स वन के लिए हुआ। यानी कि सिलेबस क्या है? पूरे कोरिकुलम का एक पाठ्यक्रम है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका कोरिकुलम है, ठीक है, ये पूरा आपका कोरिकुलम है, ठीक, किसका कोरिकुलम है? बीएड का। और इसी का हम छोटा सा पोर्शन जो हम पेपर वाइज स्टडी करते हैं, तो ये क्या हुआ? आपका सिलेबस हुआ, ठीक है। तो ये कोरिकुलम है, कोरिकुलम ब्रॉड लेवल पे है, ठीक है, ब्रॉड लेवल पे है, और जो सिलेबस है वो एक पोर्शन है ना, एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कोरिकुलम का। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं। कोरिकुलम इज ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एजुकेशनल सिस्टम और कोर्स। कोई भी एजुकेशनल संस्था में या कोई भी कोर्स हम करते हैं, तो कोरिकुलम क्या है? एक कंटेंट है, पूरा कंटेंट है उस कोर्स का, चाहे वो कोर्स 1 साल का हो, चाहे वो कोर्स 2 साल का। नेक्स्ट आते हैं, सिलेबस इज फॉर अ सब्जेक्ट। सिलेबस जो है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, ठीक है। सिलेबस इन द सेंस की जो भी हम सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे उसके लिए सिलेबस अलग अलग होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दे रखा है कोरिकुलम इज फॉर कोर्स, तो कोरिकुलम पूरे पाठ्यक्रम के लिए होगा, पूरे कोर्स के लिए होगा, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस क्या होगा? पर्टिकुलर पेपर के लिए होगा या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कोरिकुलम ब्रॉड लेवल पे है और सिलेबस उसका छोटा सा पार्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है नंबर 2, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, तो इसको देखते हैं। सिलेबस की जो ओरिजिन है, अ सिलेबस इज अ ग्रीक वर्ड, सिलेबस जो है एक ग्रीक वर्ड है। नाउ कोरिकुलम इज अ लैटिन वर्ड, कोरिकुलम लैटिन वर्ड है, मैंने आपको अच्छे से बताया, क्यूरियस टू ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है टू रन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है स्कोप, स्कोप यानी कि एरिया क्या है सिलेबस का। सिलेबस इज अ नैरोर इन स्कोप, मैंने आपको बताया कि सिलेबस का जो एरिया है वो एक पोर्शन में है, लिमिट है, ठीक है। और कोरिकुलम इज अ वाइड इन स्कोप, यानी कि कोरिकुलम का जो स्ट्रक्चर है या कोरिकुलम का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, काफी वाइड है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नेचर, नेचर कैसा है सिलेबस का। सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट डिस्क्राइब्ड व्हाट एरिया विल बी कवर्ड इन अ सिलेबस। देखिए सिलेबस क्या है? डिस्क्रिप्टिव नेचर में है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नेचर का मतलब एक पोर्शन के पॉइंट में है, चीजें लिमिट है, वहां पे सब कुछ फैला हुआ नहीं है। जो भी पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं केवल उसी की बात करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कोर्स 2 पढ़ना चाह रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा कोर्स 2 का? केवल कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, तो उसमें जितनी भी यूनिट है 1 से लेकर यूनिट 5 तक या 4 तक जितनी भी यूनिट है वो कोर्स 2 का क्या है? सिलेबस है। और कोरिकुलम क्या है? कोरिकुलम आपको पता है प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि बहुत बड़ा है, विस्तृत है कोरिकुलम, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है? टाइम पीरियड, तो सिलेबस इज यूजुअली फॉर अ ईयर, सिलेबस जो होता है वो हर एक साल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ कोरिकुलम कैन बी लॉन्ग एज द कोर्स लॉस्ट, मतलब सपोज कीजिए कि अगर बीएड में आप कोर्स 1 से लेकर कोर्स 10 तक पढ़ते हैं तो क्या है वो आपके 1 ईयर या 2 ईयर का सिलेबस है। लेकिन कोरिकुलम क्या होता है? कोरिकुलम जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो पाठ्यक्रम उसी कोर्स के लिए रहता है। यानी कि हम अगर 2 इयर्स का बीएड का प्रोग्राम का सिलेबस या कोर्स पढ़ रहे हैं, कोरिकुलम पढ़ रहे हैं, तो वो 2 इयर्स में ही खत्म होगा। और सिलेबस क्या होता है? पर्टिकुलर पेपर के लिए होता है, वो 6 मंथली भी हो सकता है और वो ईयरली भी हो सकता है। यानी कि अगर सेमेस्टर वाइज की अगर हम बात करते हैं तो सेमेस्टर वाइज बीएड का जो सिलेबस होगा 6 मंथ का होगा वो अलग होगा, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अलग होगा। तो ये है सिलेबस, सिलेबस एक ईयर के लिए भी हो सकता है, 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, बट कोरिकुलम पर्टिकुलर पूरे कोर्स के लिए है, जो भी उस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। तो ये क्या है? एज अ लॉन्ग पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्या है? इशूड बाय, सिलेबस किसके द्वारा इशू किया जाता है? देखिए अ सिलेबस इशूड बाय द गवर्निंग बॉडी, दैट इज द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सिलेबस जो है वो गवर्निंग बॉडी जो होती है हमारी शिक्षा के बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मे बी मॉडिफाइड द इंस्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या करते हैं सिलेबस का स्ट्रक्चर, वो जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो स्ट्रक्चर मॉडिफाई करता है, और किसी चीज की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है तो उसको भी वो कंप्लीट करता है। लेकिन इशू किसके द्वारा किया जाता है? किसी गवर्नमेंट बॉडी या स्टेट बॉडी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीएड की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ कोरिकुलम इज इशूड बाय द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन।
और जो पाठ्यक्रम है ठीक है यानी कि कोरिकुलम है ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई बैठा हो स्कूल का बंदा अधिकारी जो जो उसको एडमिन का काम करना है वो इशू कर सकता है, पर्टिकुलर कोई कॉलेज भी इशू कर सकता है और इंस्टीट्यूट भी इशू कर सकता है। जैसे स्टेट टू स्टेट क्या होता है कोरिकुलम वेरी करता है, अगर हम बात करते हैं रांची यूनिवर्सिटी का बीएड का कोरिकुलम अलग होगा, अदर स्टेट की बात करते हैं लाइक यूपी या बिहार की बात करते हैं तो उसका बीएड का कोरिकुलम अलग अलग होगा ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, एक तो ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस में दे रखा है हमारा सेट फॉर सेट सिलेबस, अ सिलेबस इज अ सेट फॉर द सब्जेक्ट। आपको पता है कि पर्टिकुलर जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं या पर्टिकुलर कोर्स या पेपर के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोरिकुलम इज सेट फॉर द कोर्स, और पर्टिकुलर जो भी हम कोर्स कर रहे हैं कोरिकुलम हमारा उसके लिए होता है, वो चेंज नहीं होता है ठीक। नेक्स्ट हमारा है एम्फेसिस और फोकस ठीक है, इट इज मेनली फोकस्ड इज ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एम्फेसिस का मतलब यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या नॉलेज की बात करते हैं या अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, सिलेबस उसी की बात करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यहाँ पे अपना मतलब है कि बच्चा नॉलेज करेगा, ज्ञान करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा और चीजों को समझ के करने की कोशिश करेगा ओके, जो भी वो क्या करेगा सिलेबस पढ़ रहा है। तो यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है कौन, कोरिकुलम अरे सॉरी सिलेबस। नेक्स्ट है इट इज मेनली फोकस्ड इज ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और जो पाठ्यक्रम है बच्चे के पूरे संपूर्ण विकास पे फोकस करता है। इट इंक्लूड्स द कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोलॉजी, यानी कि जो ये कोरिकुलम है हमारा आपको पता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास की बात करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा लाइक कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो आपको पता है कि हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की पूरी डिटेल बात की हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों डोमेन क्या होते हैं और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारा ये कोरिकुलम है वो तीनों एस्पेक्ट को कंप्लीट करेगा, पूरे तीनों एस्पेक्ट को डेवलपमेंट की बात करेगा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सिलेबस, सिलेबस क्या है प्लूरल सिलेबसिस और सिलेबाई। सिलेबस का जो प्लूरल है वो सिलेबसिस और सिलेबाई ठीक। इज एन आउटलाइन अ सिनोप्सिस ऑफ टॉपिक्स टू बी टॉट इन अ कोर्स ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कीजिए सिलेबस क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, हम एमएड में थीसिस बनाते हैं, रिसर्च बनाते हैं, सिनोप्सिस बताते हैं, तो सिनोप्सिस एक मतलब सिलेबस क्या हुआ, सिनोप्सिस जो बनता है वो एक आउटलाइन होती है, आउटलाइन इन द सेंस कि जो भी आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसकी एक हल्की सी गाइडलाइन होती है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि सिलेबस देखा जाए तो पूरे पाठ्यक्रम का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, एक आउटलाइन है, एक गाइडलाइन है, जो हम जब भी ट्रेनिंग लेते हैं जिस भी कोर्स को करने के टाइम पे और जो भी हमारा स्पेसिफिक पीरियड होता है, यानी कि अगर हम कोई कंप्यूटर कोर्स 6 मंथ के लिए कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस 6 मंथ का जो भी कोर्स हमने चूज किया है उसका क्या होगा, उसका वो पर्टिकुलर सिलेबस होगा। लेकिन कोई कंप्यूटर कोर्स 4 साल का है, कोई डिग्री लेनी है, कोई डिप्लोमा लेना है, तो 2 ईयर्स या 4 ईयर या 3 ईयर्स का जितना भी डिप्लोमा है, हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, थर्ड ईयर में चले जाएंगे, तब तक वो आपका कोरिकुलम पूरा नहीं होगा जब तक आपकी वो डिग्री आपके हाथ में नहीं आ जाती। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिलेबस क्या है, एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटी सी आउटलाइन है, एक छोटी सी गाइडिंग है किसी भी चीज को पढ़ने का। सपोज कीजिए हम जो सिनोप्सिस बनाते हैं तो सिनोप्सिस क्या होता है, वो छोटा सा एक आउटलाइन ही होता है ना हमारे रिसर्च प्रपोजल को कंप्लीट करने का। रिसर्च प्रपोजल तो हम अंदर जाके जब हमारी सिनोप्सिस फाइनल हो जाती है तब हम करते हैं, उसका टॉपिक डिसाइड होने के बाद ये सारी चीजें करते हैं, तो अंदर जाके हम पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। तो डिटेल स्टडी करने का काम कौन करेगा, कोरिकुलम करेगा। यहाँ पे देखिए कोरिकुलम इज अ लिस्ट और ब्लूप्रिंट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज एंड द एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर इन द प्लेग्राउंड क्लासरूम लेबोरेटरी लाइब्रेरी एंड द अदर प्लेसेस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए आपको पता है कोरिकुलम क्या है, एक तरीके की लिस्ट है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, एक तरह की प्लानिंग एक्टिविटी है जो एक जब भी संस्था कुछ भी कोर्स रन कराती है, लाइक अगर हम बीएड का ही एग्जांपल लेते हैं तो बीएड का जो 2 ईयर का प्रोग्राम है पर्टिकुलर उसके 1 ईयर का प्लानिंग अलग बनेगा ठीक है, सेकेंड ईयर का प्लानिंग अलग बनेगा ठीक है। ये काम ठीक है जब भी हम करेंगे तो ये काम हम कहाँ कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी कर सकते हैं, क्लासरूम में भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ठीक है, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कोरिकुलम क्या हुआ, एक तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट फॉर्मेट है, जैसे सिलेबस आउटलाइन है तो ये पूरा प्लानर है कि एक ईयर में हमें क्या क्या पेपर कितने कितने टाइम में पढ़ना है और हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो कोई भी अदर स्पेसिफिक प्लेस हो ठीक है, अपने एजुकेशनल एम को क्या अचीव करने के लिए ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या समानता हो सकती है, तो वेरीज फ्रॉम द टीचर टू टीचर। आपको पता है कि सिलेबस यानी कि पर्टिकुलर अगर मान लीजिए
बीएड फर्स्ट ईयर में 6 कोर्स हैं, तो वो एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, हर टीचर का क्या होगा सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट होगा। यानी कि मान लीजिए किसी टीचर को कोर्स 1 मिला है, किसी को 2 मिला है, तो सभी के क्या है सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट है, बट कोरिकुलम क्या होगा सभी के लिए समान होगा। यानी कि कोरिकुलम सेम फॉर ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापक के लिए क्या होगा पाठ्यक्रम सेम होगा, बट जो पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस है वो क्या होगा टीचर टू टीचर वेरी करेगा। ओके नेक्स्ट हमारा जो भी वो पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा रहा है वो उसका सिलेबस होगा, ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम क्या होगा वो बीएड का ही पाठ्यक्रम कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है टर्म फॉर अ फिक्स टर्म नॉर्मली अ ईयर, एक जो सिलेबस है वो एक साल के लिए फिक्स होता है कि चलिए हमें ये इस कोर्स की बात कर रहे हैं जो हमारा कोर्स 1 है या 2 है उसे हमें एक साल में कंप्लीट कराना है। और कोरिकुलम क्या होता है टिल द कोर्स लास्ट, जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता, कोर्स का लाइन लास्ट पॉइंट पे हम नहीं जाते हैं तब तक हमारा कोरिकुलम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सेट आउट बाय सिलेबस किसके द्वारा, एग्जाम बोर्ड के द्वारा सिलेबस सेट किया जाता है, और जो पाठ्यक्रम है यानी कि कोरिकुलम गवर्नमेंट और दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, तो जो पाठ्यक्रम है वो पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, या कॉलेज हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोरिकुलम डिसाइडेड बाय द स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है कंपोनेंट, ठीक है, तो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द सब्जेक्ट, आपको पता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो होगा अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। नंबर 2 स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस यानी कि एक अच्छा स्टैंडर्ड मानक कॉम्पिटेंस करता है, यानी कि नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम को करता है इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि सिलेबस जिस भी हम पाठ्यक्रम के लिए पढ़ रहे हैं पूरे वो सभी के लिए क्या है एक स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी की बात करेगा, फिर लर्निंग आउटकम्स को कंप्लीट करने की बात करेगा, फिर लर्निंग आउटकम इंडिकेटर्स की बात करेगा, फिर लर्निंग एक्टिविटीज की भी बात करेगा, और कहीं ना कहीं टाइम एलोकेशन की भी बात करेगा, ठीक। यानी कि हमारा जो पेपर होगा, जो सिलेबस हम पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर उसी की बात करेगा, कौन सिलेबस है ना, उसी को लर्न करने के बारे में बात करेगा, पूरा पर्टिकुलर सिलेबस या कोरिकुलम के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक। कोरिकुलम क्या होता है, कोरिकुलम आपको गोल यानी कि आपका टारगेट होता है जिसको हमको अचीव करना होता है, कंटेंट की बात करता है, कोरिकुलम मेथड की बात करता है, और लास्ट में इवैल्यूएशन की बात करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना, ये कंपोनेंट किसके हैं सिलेबस के हैं, और ये कंपोनेंट किसके हैं आपके पाठ्यक्रम के। तो कोरिकुलम जो है यानी कि पाठ्यक्रम गोल को अचीव करने की बात करता है पर्टिकुलर, ठीक। सिलेबस क्या करेगा, जो हम पेपर पढ़ रहे हैं उसी के गोल को अचीव करने की बात करेगा। तो ये की डिफरेंस हो गया, ओके। और अगर हम बात करते हैं जिससे कंपोनेंट में, तो पता है आपको कि हम जब कोर्स 1 का एग्जाम लेंगे या कोर्स 2 का एग्जाम लेंगे तो वो जो हमारा सिलेबस है वो केवल कोर्स 1 तक ही लिमिट रहेगा। अगर 100 मार्क्स का है वो या 50 मार्क्स का है तो वो 50 मार्क्स तक ही लिमिट रहेगा, यानी कि हम दूसरे पेपर की बात वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये है मेन डिफरेंसेस, मैंने बता दिया आपको। और देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, मतलब कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएशन भी है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे यहाँ पे हम, पूरे पाठ्यक्रम का नहीं इवैल्यूएशन करेंगे, कहाँ पे सिलेबस में। और पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करेंगे भी, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं या जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, और मेन मटेरियल यानी कि कोर्स 2 पढ़ रहे हैं या कोर्स 1 पढ़ रहे हैं तो उसके मेन मटेरियल पर फोकस करेंगे, ओके। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, बेस फॉर द टेक्स्ट बुक, आपको पता है कि जो सिलेबस होगा हमारा वो किस पे बेस्ड होगा, टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होगा, यानी कि पूरी तरह टेक्स्ट बुक की बात करेंगे। बट जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, बेस लाइन फॉर द सिलेबस, यानी कि बेस लाइन यानी कि आधारशिला होगी किसकी, पाठ्यचर्या का, कौन कोरिकुलम, यानी कि कोरिकुलम इज बेस लाइन फॉर द सिलेबस, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किसकी आधारशिला होगी, हमारे पाठ्यचर्या की, वो इसका बेसिक पॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि जो हम कोर्सेज पढ़ते चले आ रहे हैं 1, 2, 3, तो वो हमारा क्या है, वो बेस लाइन है हमारे पूरे कोरिकुलम को कम्प्लीट करने का, कौन कोरिकुलम, ओके। नेक्स्ट दे रखा है डिटेल एंड स्पेसिफिक, पर्टिकुलर जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो उसी सब्जेक्ट की रेफरेंस में बात करेगी, उसी की स्पेसिफिसिटी में बात करेंगे, यानी कि अगर हम कोर्स 1 या 2 पढ़ रहे हैं तो हम उसी के रेफरेंस की बात करेंगे, उसी के डिटेल्स की बात करेंगे, हम पूरे कोर्स की बात नहीं करेंगे, किसके अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है करिकुलम में जनरल गाइडलाइन, और यहाँ पे ये सामान्य गाइडलाइन होती है, मतलब इसके लिए पर्टिकुलर कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं होती है, ये पूरे पाठ्यक्रम के लिए होती है जब तक हमारा कोर्स पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट है मोर यूजफुल फॉर द टीचर्स, और ये सब्जेक्ट वाली जो नॉलेज है, सिलेबस जो है वो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, मोर यूजफुल फॉर द टीचर्स, दोनों टीचर्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। ओवरऑल कंटेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा जो मेन डिफरेंस था, मैंने बता दिया कोरिकुलम और सिलेबस के बीच में डिफरेंस, होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस वीडियो में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो और भी देख सकते हैं, मान लीजिए
यहाँ पे एक फूलो चार्ट है, ठीक है, और हम बीएड की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बीएड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर हो गया एंड सेकेंड ईयर हो गया, ओके. तो मान लीजिए यहाँ पे कोर्स वन हो गया हमारा, ठीक है, कोर्स टू हो गया, कोर्स थ्री हो गया, कोर्स फोर हो गया, फाइव सिक्स, ठीक, लास्ट में सेवन एट नाइन एंड कोर्स टेन. ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा, देखिए अगर हम ये पूरे की बात करेंगे तो ये पूरे हमारे कोर्सेज कहाँ गए, ये सारे कोर्सेज हमारे कहीं ना कहीं कोरिकुलम या पाठ्यक्रम में आ गए, ओके. तो यानी कि हम पूरे जो मतलब कंटेंट की बात करेंगे तो ये क्या ओवरऑल कंटेंट की बात करते हैं एक एजुकेशनल सिस्टम में, ठीक. और पर्टिकुलर हम ये पेपर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स वन का सिलेबस या हमारी पाठ्यचर्या. तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस से भी आप याद रख सकते हैं. और आपको पता भी है कि जो सिलेबस होगा वो कैसे होगा, कोर्स वाइज होगा, जो सिलेबस होगा वो कोर्स वाइज होगा, ठीक. सिलेबस जो होगा वो कोर्स वाइज होगा, यानी कि जैसा जैसा कोर्स होगा वैसा, यूनिट फर्स्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है, सेकेंड हो गया, तो इस तरीके की बात करेगा कौन, सिलेबस. तो सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब होता है, एक बोल सकते हैं आप समरी फॉर्म भी होता है, जहां पे हम उस सिलेबस को देख के कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये बीएड का सिलेबस हो सकता है, बीएड के इस कोर्स का सिलेबस हो सकता है, ओके. तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, और आपको ये भी पता है कि जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर टीचर टू टीचर वेरी करेगा, लेकिन जो करिकुलम है वो टीचर सभी टीचर के लिए सेम रहेगा. यानी कि अगर वो बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर है या बीएड में टीचिंग कर रहा है तो वो सिलेबस टू सिलेबस वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सभी टीचर के लिए क्या होगा, सामान्य होगा, ठीक है. और सिलेबस की बात कर सकते हैं तो वो क्लास टू क्लास वेरी करेगा, है ना, टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी कर सकता है ना. इसके बाद करिकुलम क्या है, ओवरऑल चाहे हम बीएड कर रहे हों, एमएड कर रहे हों, चाहे पीएचडी कर रहे हों, तो पर्टिकुलर उसका अपना अपना एक कोर्स होता है, तो वो हमारा पाठ्यक्रम है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है. तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था, होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम. और ये पर्टिकुलर हम कोर्स एट के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, ये आगे आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम से को अगर देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करेगा, और उससे भी ज्यादा आपको हेल्प ये करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस करिकुलम होता क्या है, ठीक है. ये तो हमने डिफरेंस पढ़ा, ओके. आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों में संबंध क्या है. यहाँ पे तो हमने डिफरेंट डिफरेंस पढ़ा. तो अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन. और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है देखिए, और कम्युनिकेशन भी होता है, और जरूरी भी है कमेंट करना. अगर आप पढ़ रहे हैं आपको ठीक लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी आप कमेंट कीजिए, बट बी कमेंट ऑन देयर इफ यू वॉच द वीडियो, ओके. और लोगों तक शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स नाउ. तो आज के लेक्चर में बंद करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा.